हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज हम टॉपिक अपने भी वीडियो में कवर करेंगे, दैट इज व्हाट इज अ सर्विस एंड व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं, सर्विस क्या होती है। अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस दैट वन पार्टी ऑफर्स टू अनदर दैट इज एसेंशियली इंटेंजिबल एंड डज नॉट रिजल्ट इन द ओनरशिप ऑफ एनीथिंग। इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड टू अ फिजिकल प्रोडक्ट। नाउ इसका मतलब क्या होता है, इसमें हमने अ सर्विस इज एन एक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ये एक काम है दैट वन पार्टी ऑफर्स टू द अनदर पर्सन, जिसमें दो पार्टी है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर करती है। एंड इट इज एसेंशियली इंटेंजिबल, इंटेंजिबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड और सीन, तो हम इसे देख नहीं सकते हैं। एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी ओनरशिप, और इसमें हमें कोई ओनरशिप भी नहीं मिलती है। एंड इट्स प्रोडक्शन मे और मे नॉट बी टाइड अप विद अ फिजिकल प्रोडक्ट, उसके साथ में कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो भी सकता है और कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं भी हो सकता है। हम इसको एग्जाम्पल से समझा देते हैं। मान लो कि हम एक एविएशन टिकट बुक करते हैं, फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हमें क्या मिलता है बेसिकली, आजकल तो इवन हमारे पास एक SMS आ जाता है, हमारी टिकट बुक हो जाती है और हम क्या करते हैं, हम उसको बोर्ड करते हैं ऑन अ स्पेसिफाइड डेट, हम उस सर्विस को यूज करते हैं, हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं और हमारे सर्विसेज ओवर हो जाती है। विच मीन्स वी हैव नॉट सीन एनी प्रोडक्ट और ना हमें उसकी ओनरशिप मिली है। हम फ्लाइट में बैठते हैं तो हमें उसकी ओनरशिप नहीं मिल जाती है, ठीक है। और उसके साथ में कई बार प्रोडक्ट्स हो भी सकते हैं, कई बार प्रोडक्ट्स नहीं, सर्विसेज अकेले भी हो सकती है, सर्विसेज प्रोडक्ट के साथ भी हो सकती है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, अगर हम प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज की बात करते हैं, हम अगर एक मोबाइल खरीदते हैं उसके साथ में से 1 ईयर वारंटी या 2 ईयर वारंटी हमें मिलती है, दैट इज टाइड अप विद दैट प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट के साथ में हमें क्या मिली है, सर्विसेज टाइड अप मिली है। और कई बार जैसे मैंने एविएशन का एग्जाम्पल दिया कि फ्लाइट की टिकट बुक करी तो हमें इसमें उसके साथ में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, ठीक है। तो इट कैन बी, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन हमारी जो सर्विसेज क्या होती हैं, कोई भी ऐसी चीज जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते, जिसकी हमें ओनरशिप नहीं मिलती है, हम सिर्फ उसको, उस पर्टिकुलर चीज को एंजॉय कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, और उसके बाद वो एग्जॉस्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्विस। इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में पढ़ते हैं जिससे कि ये टॉपिक आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस मार्केटिंग, फर्स्ट इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब होता है सर्विसेज आर इनटेंजिबल, वी कैन नॉट टच देम एज दे आर नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। हम मार्केट में अगर मान लो एक मोबाइल खरीदने जाते हैं तो वी विल बी पेइंग अ स्पेसिफाइड अमाउंट एंड इन रिटर्न वी आर गेटिंग समथिंग। एक बॉक्स हमें मिलता है जिसके अंदर हमें एक मोबाइल मिलता है, तो वो क्या है, वो फिजिकल ऑब्जेक्ट है जिसको हम छू भी सकते हैं, हम टच भी कर सकते हैं, उससे पहले हम चेक भी कर सकते हैं कौन कौन से फीचर्स है, क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो वो दैट इज वाई वी से कि सर्विसेज क्या है, दे आर इनटेंजिबल, उसको हम टच नहीं कर सकते, वी कैन नॉट टच देम एज दे आर नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। अ कंज्यूमर फील्स दैट ही हैज द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट द गुड्स बिफोर दे बाय। गुड्स की कंडीशन में हमारा क्या हो सकता है, हम उसे छू भी सकते हैं, हम सुन भी सकते हैं, हम स्मेल भी कर सकते हैं, कई बार हम टेस्ट भी कर सकते हैं, हम से कुछ फूड आइटम्स लेते हैं हम उसको टेस्ट करके चेक कर सकते हैं बिफोर दे बाय एंड दे, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन सर्विसेज, टू सर्विसेज, और सर्विसेज के केस में ऐसा एप्लीकेबल नहीं होता है, हम उसे पहले देख नहीं सकते, वी कैन नॉट से वी कैन नॉट सी देम और वी कैन नॉट टच देम, वी कैन नॉट फील देम, द सर्विसेज आर नॉट नोन टू द कस्टमर्स बिफोर दे टेक देम। सर्विसेज को उससे पहले उनको उसके बारे में पता नहीं होता है। मान लो फॉर एग्जाम्पल हम कहीं बाहर खाने के लिए गए, हमारे सामने मेन्यू रख दिया गया और हमें जैसे चूज करने को बोल दिया जाता है कि जो जो आपको चाहिए, ठीक है ना, उसमें क्या है, वी कैन नॉट, द सर्विसेज आर नॉट नोन टू द कस्टमर्स, हमें पता नहीं है कि उस पर्टिकुलर जगह पे उस चीज का टेस्ट कैसा रहेगा, ठीक है। दैट इज वाई वी से कि इट इज इंटेंजिबल, वी कैन नॉट फील दैट ऑब्जेक्ट, इट कैन। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेंजिबिलिटी एग्जाम्पल क्या है, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर्स, हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफाइड नेटवर्क का मोबाइल जब खरीदते हैं, जब हम उसे यूसेज करते रहते हैं तब हमें पता चलता है बहुत अच्छा फंक्शन कर रहा है या नेटवर्क इश्यू है या फिर कोई और पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ठीक है।
सेकेंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है पेरिशेबिलिटी. पेरिशेबिलिटी मतलब होता है कि वैल्यू ऑफ सर्विसेज एग्जिस्ट एट द पॉइंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एंड सर्विसेज पेरिश एज सून एज दे आर यूज्ड, व्हिच मींस जैसे ही हम उस सर्विस को एंजॉय कर लेते हैं, हमारा खाना खत्म हो गया, हमारी सर्विसेज खत्म हो गई. ठीक है, वैसे नहीं, सर्विसेज आर नॉट सर्विसेज, वो जो खाना होता है वो सर्विसेज नहीं होती है, उसके साथ में जो वेटर्स होते हैं वो हमें कैसे उसको सर्व कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है हमारा एज सून एज वी एंजॉय दोज सर्विसेज एंड दे आर एग्जॉस्टेड. ठीक है, वैल्यू ऑफ सर्विसेज एग्जिस्ट एट द पॉइंट व्हेन इट इज रिक्वायर्ड. ठीक है, उसकी वैल्यू भी तभी रहती है जब हमें रिक्वायर्ड होता है. अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हमें वो सर्विसेज नहीं मिली तो उसकी यूटिलिटी खत्म हो जाती है. सर्विसेज पेरिश एज सून एज वी एंजॉय इट विद दे आर यूज्ड, हम जब उसको हम एक फ्लाइट में बोर्ड करते हैं, हमने उस जर्नी को ट्रिप को खत्म कर लिया, वो क्या हो गई, खत्म हो गई, वो सर्विसेज खत्म हो गई. सर्विसेज लास्ट फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक अ प्रोडक्ट फॉर लेटर यूज. हम उन सर्विसेज को जस्ट लाइक अ प्रोडक्ट, हम एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी एक लाइफ होती है, उस पूरे लाइफ तक हम उसको एंजॉय कर सकते हैं. लेकिन जो सर्विसेज क्या होती है, एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम में हम उसको यूज कर सकते हैं और उसके बाद में वो सर्विसेज खत्म हो जाती है. वी कैन नॉट स्टोर देम फॉर द लेटर यूज, हम उसे बाद के लिए बचा के नहीं रख सकते. वी कैन सी कि हमने मूवी टिकट बुक किया, हमने एंजॉय किया, खत्म हो गई सर्विसेज, हम आ गए बाहर, हमारी सर्विसेज खत्म हो गई. ठीक है, इनसेपरेबिलिटी, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर. हम सर्विस प्रोवाइडर से वो क्या है, अलग नहीं की जा सकती. इनसेपरेबल मतलब कि उसको अलग नहीं किया जा सकता, सर्विस प्रोवाइडर और सर्विसेज दोनों साथ में ही रहेंगी. थस द सर्विस प्रोवाइडर वुड बिकम अ पार्ट ऑफ द फर्स्ट सर्विस. सर्विस प्रोवाइडर क्या हो जाता है, उस पार्ट ऑफ द सर्विस का एक पार्ट रहता है. एंड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज गो हैंड इन हैंड, जो प्रोडक्शन भी उसी समय हो रहा होता है एंड कंजम्पशन भी उसी समय हो रहा होता है, दे गो हैंड इन हैंड, मतलब वो साथ साथ चल रहे होते हैं. हमें सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है और हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं. ठीक है, वो दोनों साथ साथ होता है, इन दोनों चीजों को अलग नहीं कर सकते. हम एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो हमने कोई राइड बुक की. ठीक है, वो जो टैक्सी ऑपरेटर है, ड्राइवर ड्राइव्स टैक्सी एंड द पैसेंजर यूजेस इट. ड्राइवर भी वहां पे है, पैसेंजर भी वहां पर है, ड्राइवर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और पैसेंजर उसको यूज कर रहा है. द प्रेजेंस ऑफ टैक्सी ड्राइवर इज एसेंशियल टू प्रोवाइड द सर्विसेज, हमें वो टैक्सी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए. दैट इज वाई वी से कि दे आर इनसेपरेबल. वहीं पे सर्विस प्रोवाइडर भी होगा, वहीं पर कंज्यूमर भी होगा. सर्विस प्रोवाइडर सर्व कर रहा होगा, वो जो कंज्यूमर होगा वो कंज्यूम कर रहा होगा. जैसे हम मान लो कि अगेन हम खाना खाने बाहर गए तो हमें क्या होगा, वो वेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे और हम उसी समय उन सर्विसेज को एंजॉय कर रहे होंगे. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हेट्रोजिनिटी. हेट्रोजिनिटी का मतलब होता है कि हर बार हमारी जो सर्विसेज होती है ना, जो क्वालिटी होती है वो अलग हो जाती है. द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज कैन नॉट बी स्टैंडर्डाइज्ड, हम बिल्कुल उसको वी ट्राई टू स्टैंडर्डाइज इट, बट हमेशा हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो उसको एक स्टैंडर्ड रूप में हमें प्रोवाइड नहीं कर सकता. सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर पुट इनटू प्लेस टू मेक श्योर द सर्विसेज प्रोवाइडेड इज कंसिस्टेंट. कोशिश की जाती है कि हमें जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए वो कंसिस्टेंट रहे, वो एक जैसी रहे, बट ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है. द सर्विसेज फर्म शुड मेक एन एफर्ट टू डिलीवर हाई एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी बाय सेलेक्टिंग गुड एंड क्वालिफाइड पर्सनल फॉर रेंडरिंग द सर्विसेज. हमें वो क्वालिफाइड पर्सनल भी प्रोवाइड करते हैं, सर्विसेज हमेशा अच्छी से अच्छी देने की कोशिश करते हैं, बट हमेशा वो क्या होती है, अलग होती है. अलग क्यों होती है, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइडर होता है दे कैन नॉट बी कंसिस्टेंट, वो हमेशा एक जैसी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता. फॉर एग्जाम्पल लाइव कॉन्सर्ट्स लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी शोज, मूवीज, इसके अलावा इवन हम हमारा जो फेवरेट एग्जाम्पल चल रहा है कि फूड कोर्ट में भी जाए, एक बार हमें वही सेम डिश वॉज वेरी टेस्टी, मे भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम मैंने सेम चीज ऑर्डर करी हो, वो जो कुक है वो चेंज हो गया हो, और उस वजह से या फिर वो कुक चेंज हो गया या फिर जो हमें वेटर सर्व कर रहे हैं वो चेंज हो गए हो, तो उस वजह से हमें वो सर्विसेज उतनी अच्छे से प्रोवाइड न की जा पाई हो. ठीक है, दैट इज वाई वी से कि हेट्रोजेनिटी, सर्विसेज हमेशा एक जैसी नहीं होती है. इवन हम उसे कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से हम उसे एक जैसा एक स्टैंडर्डाइज तरह का प्रोवाइड करें, बट इट इज ऑलवेज डिफरेंट.
Now, next is our ownership. In the sale of goods, after the completion of process, the goods are transferred in the name of the buyer and he becomes the owner of the good. अगर हम मान लो हम purchase एक product purchase करने जाते हैं तो क्या होता है कि उसने हमें हमने उनसे पैसे दे दिए, उसने हमें goods दे दिया and the deal is over. ठीक है, एंड वो जो बायर है वो उस प्रोडक्ट का ओनर बन जाता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है और वो प्रोडक्ट लेके हम अपने घर चले जाते हैं और हम उसे अपने तरीके से यूज करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद में वी हैव पेड द प्राइस एंड ही हैज गिवन मी द प्रोडक्ट, हम दोनों के रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ सर्विसेज द यूजर ओनली हैव एन एक्सेस टू द सर्विसेज, हम सिर्फ वो सर्विस को उस पॉइंट ऑफ टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, हम उसकी ओनरशिप हमें नहीं मिलती है. दे कैन नॉट ओन, वी कैन नॉट ओन द प्रोडक्ट, वी कैन से. तो वी कैन टेक द एग्जाम्पल, इफ यू हैव टेकन अ मेंबरशिप ऑफ अ जिम देन वी कैन यूज दैट प्रोडक्ट एट वन स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम, वी कैन यूज दैट प्रोडक्ट बट दैट ओनरशिप इज नॉट गोइंग टू चेंज. वो जिम हमारे नाम पे नहीं हो जाता या वो मशीन हमारे को नहीं मिल जाती है. वी कैन ओनली गो एंड यूज दैट सर्विसेज एंड देन वी कैन कम आउट अगेन. मे बी महीने भर की मेंबरशिप है तो मैं महीने भर एक घंटा उस चीज को यूज कर सकती हूँ बट ओनरशिप मेरे नाम पे ट्रांसफर नहीं होती. नाउ नेक्स्ट है हमारा सिंक्रोनाइज. सिंक्रोनाइज का मतलब होता है सर्विसेज कैन नॉट मूव थ्रू चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हमें प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज क्या होती है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमारे पास तक पहुंच जाती है. बट इन केस ऑफ सर्विसेज दे कैन नॉट मूव थ्रू द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन नॉट बी डिलीवर टू द पोटेंशियल कस्टमर्स एंड यूजर. ठीक है, डिलीवर टू द पोटेंशियल कस्टमर्स एंड यूजर. ईदर यूजर्स आर बॉट टू द सर्विस और प्रोवाइडर हैज टू, या तो जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो हमारे पास तक आएगा उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि हमें उस सर्विस प्रोवाइडर के पास तक जाना पड़ेगा उस सर्विसेज को इंजॉय करने के लिए. So it is right to say that services have limited geographical area. एक specified service उसका area क्या होता है, बहुत limited होता है. इसका मतलब synchronized का मतलब कि दोनों को एक दूसरे से synchronize करना पड़ेगा कि भाई एक particular point of time में जिस time हमें services चाहिए service provider को हमारे पास आना पड़ेगा या फिर हमें उसके पास जाना पड़ेगा उस service को enjoy करने के लिए. Now, cost and synchronized example जो हमारा है, when the producers approach the buyer to deliver services, the cost of those services is increased. अगर हम कहें कि वो services हमारे doorstep पे आप provide कर दो, तो उसकी क्या हो जाती है? Price increase हो जाती है. On the other hand, it costs time and money for the buyer to come to producers directly. और दूसरा condition में क्या होता है, वो जो कंज्यूमर होता है उसको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा प्रोड्यूसर के पास तक. तो उसका क्या होता है, टाइम एंड मनी दोनों खर्च होता है. तो वी से कि जब भी हमारा हमें एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है और सर्विसेज या तो उसके डोर स्टेप पे या हमारे डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाएंगी. अगर हमारे डोर स्टेप पे प्रोवाइड की जाएंगी तो इट विल कॉस्ट अस मोर. अगर हमें वहां जाना होगा देन अगेन इट विल कॉस्ट अस टाइम एंड मनी देन पैसा भी. ठीक है, The doctor's visit to the home. Example, we can say कि अगर हम डॉक्टर को घर पे बुलाते हैं या तो हमें वहां पे जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर के क्लिनिक में, या फिर हम उसे अपने doorstep पे बुलाते हैं, again the charges would be the same, more. Electronic services, repair and maintenance centers, हम वहां पर भी जा सकते हैं, वो हमारा हम उन्हें यहाँ पर भी बुला सकते हैं. दोनों condition में क्या होते हैं, हमारे चार्जेस सेम होते हैं, चार्जेस डिफरेंट होते हैं एंड हमें एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है. नाउ नेक्स्ट, क्वालिटी मेजरमेंट. से हमने कहा सर्विसेज, हमें जो सर्विसेज होते हैं उसमें क्वालिटी को मेजर करना इज नॉट, से वी कैन से कि इट इज नॉट वेरी इजी. अ सर्विस सेक्टर रिक्वायर्स अनदर टूल फॉर मेजरमेंट. वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ सर्विस लेवल. हम उसको सर्विस लेवल तक के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रेट और क्वांटिफाई सर्विसेज. हम उसको क्वांटिफाई करना, क्वांटिफाई मींस नंबर्स में बताना कि हमारा ये कितने सर्विसेज को हमको नंबर्स देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, हम इसे एग्जांपल से समझते हैं. वी कैन क्वांटिफाई द फूड सर्व्ड इन द होटल बाय द वे वेटर सर्व्स द कस्टमर और द बिहेवियर ऑफ द स्टाफ. Timely delivery, hygiene, etc. cannot be ignored while rating the total process. Which means कि देखो, हमने जब order किया है एक food, तो food is a product basically.
लेकिन उसके साथ में क्या है, सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही है, स्टाफ वेटर्स आपको सर्व कर रहे हैं, टाइमली डिलीवरी इन नीट एंड क्लीन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, ये सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे, इट इज वेरी डिफिकल्ट। डज द फर्म सेल्स गुड्स एट गुड एटमोसफेयर कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी ऑफ सर्विसेज इटसेल्फ, तो विच मीन्स दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई। हम उसे क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, हमें उसे क्वालिटीफाई करना पड़ता है, क्योंकि वो हम उसके साथ में हमें क्या उसकी क्वालिटी मेजर की जा सकती, क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर ऑफ डिमांड। देखो द सर्विसेज आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, हमारी जो सर्विसेज होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, एक सीजनल होती हैं, सिचुएशनल होती हैं, ठीक है, तो उसको हमारा क्या होता है, उसकी डिमांड अलग अलग होती रहती है, चेंज होती रहती है। द सर्विसेज आर फ्लक्चुएटिंग इन नेचर, द डिमांड ऑफ सर्विसेज कैन बी एबनॉर्मल सडन सीजनल सिचुएशनल एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट ऑन सम अदर सर्विसेज, वी कैन से प्रोडक्ट के साथ में भी डिपेंडेंट हो सकती है, ठीक है। देयरफॉर व्हाइल आइडेंटिफाइंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ सर्विसेज, वन कैन नॉट इग्नोर द नेचर ऑफ डिमांड। यू कैन अंडरस्टैंड इट विद दिस एग्जांपल की सर्विसेज क्वालिटी, हाँ, सो सर्विस क्वालिटी लेवल डिटोरिएट्स ड्यूरिंग पीक आवर्स इन होटल्स एंड ट्रांसपोर्टेशंस, क्योंकि जब पीक आवर्स होते हैं, जब बहुत रश होता है, तब क्या होता है, कई बार हमारी सर्विसेज क्या हो जाती है, डिटोरिएट हो जाती है, बिकॉज ऑफ, किस वजह से, बिकॉज की उस समय डिमांड बहुत ज्यादा है। ई रिटेलर्स ऑफरिंग ह्यूज डिस्काउंट्स ऑन फेस्टिवल सीजन ओकेजंस, डिफरेंट ओकेजंस में क्या होते हैं, हमारी डिमांड सर्विसेज की डिमांड क्या हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। Then marketer should efficiently utilize the capacity without deteriorating the quality to meet the demand. So marketers ko kya karna chahiye, effectively capacity ko effectively utilize karna chahiye aur services ko deteriorate nahi hone dena chahiye. To which means that humne kaha ki hamari jo services hoti hai unki jo demand hoti hai wo change hoti rehti hai ek particular point of time mein. Maan lo ki for example dekhi hamari say festive season hota hai, ऑनलाइन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ऑनलाइन डिमांड में तो हम प्रोडक्ट मांग रहे हैं, बट प्रोडक्ट के साथ में सर्विसेज हमें कैसे मिलती है, ऑन टाइम डिलीवरी हमें मिलनी चाहिए, विद इन स्पेसिफाइड टाइम हमें डिलीवर होना चाहिए प्रोडक्ट इन द, मतलब उस वो डिटोरिएट, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिटोरिएट नहीं होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये क्या हम कह सकते हैं कि इसकी जो डिमांड होती है वो चेंज होती रहती है, सो वी हैव टू बी very careful while this providing the services. Now there are some additional characteristics as your services are sold exclusively on the basis of benefits they offer. Services kya hoti hai, exclusively hum jo benefits aapko provide kiye ja rakhte hai uske basis pe bechi jati hai. We can take the example, jaise hamara aajkal ek bahut common trend hai, से ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में वी कैन सी अर्बन क्लैब जो होता है वो आपके डोर स्टेप पे ऑल दोस ब्यूटी सर्विसेज प्रोवाइड कीजिए, प्रोवाइड करवा देता है, या फिर वी कैन ऑल्सो टेक द एग्जाम्पल ऑफ एशियन पेंट्स, जिसमें वो बताते हैं कि विदाउट हेजल फ्री आपकी जो घर में पेंटिंग हो जाएगी, जिसमें दे विल गेट ऑल देयर दिस प्रोडक्ट ऑल देयर सर्विसेज एट योर डोर स्टेप, जिसमें कि आपको पूरा अपने घर को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, दे यूज ऑल सोफिस्टिकेटेड मशीन टू पेंट योर हाउस, क्विक हो जाएगा विदाउट और हेजल फ्री हो जाएगा। तो दे आर सोल्ड एक्सक्लूसिवली ऑन अ बेसिस ऑफ बेनिफिट्स दे ऑफर, कि वो कौन से फायदे आपको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे, इस बेसिस पे सर्विसेज बेची जाती है। सर्विसेज कैन नॉट बी मेड अवेलेबल इन एडवांस, हम कभी भी हम प्रोडक्ट को एडवांस में ले सकते हैं, हम सर्विसेज को एडवांस में नहीं ले सकते। टाइम यूटिलिटी इज क्रिटिकल, एक स्पेसिफाइड पॉइंट ऑफ टाइम में हमें सर्विसेज रिक्वायर्ड होती है, हम बाद में उसको नहीं यूज कर सकते या फिर वो अपनी इम्पोर्टेंस खो देती है। सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, सर्विसेज हम अपनी सर्विसेज किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। And services once consumed cannot be returned. Product हम कई बार return कर देते हैं, but services once consumed cannot be returned. उसको return नहीं किया जा सकता. There are certain more characteristics of these services. So hope you would have understood it कि services, how the services are different from these products and what are the characteristics of the services.
And if you like the video, please subscribe, share, like, and also write your comments. Thank you for watching. Thank you for giving your precious time.